हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मेरा नाम है अनीश कुमार। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्लास टेंथ बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं आपको कि फोटोसिंथेसिस की घटना क्या होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक्चुअल में ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ग्रीन प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो एक्चुअल में क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर उपस्थित होता है, जिससे कि उसकी लीव्स ग्रीन कलर्स की दिखाई देती हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पर रिवाइज करते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की घटना है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड्स को वाटर, CO2 तथा जो फोटोलिटिक एनर्जी होती है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल, इसके बाद ये कन्वर्टन हो जाता है ग्लूकोज का, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है जिसे कि हम लोग रिस्पायरेशन में यूज करते हैं, साथ में सह उत्पाद के रूप में जल के अणु का निर्माण होता है। तो आप देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो आज हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस कि क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले कि जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज़ सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो सनलाइट होती है उसकी उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से फॉर्मेशन ऑफ फूड किया जाता है, जो कि सभी जंतुओं तथा अन्य पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअल में पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यही मेन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो केमिकल बॉन्ड्स के रूप में संचित रहती है। आप देखेंगे कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऊर्जा का जो स्रोत है उनके लिए वो प्लांट्स होते हैं। पौधे आवश्यकता से अधिक जो आप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उसे तने, जड़ या पत्तियों, फलों और बीजों के रूप में संचित कर लेते हैं, एक्युमुलेशन कर लेते हैं, जो कि शाकाहारी जंतुओं के लिए सीधे भोजन के रूप में कार्य करता है। जब मांसाहारी शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं तो इस प्रकार सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, एक्चुअल में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सोर्स ऑफ फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण का इम्पोर्टेंस क्या है सोर्स ऑफ फूड के रूप में। अगर प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी तो हमें फूड प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो अब ये देखिए, सेकंड में क्या हो सकता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी का मतलब वही हुआ कि अगर हम भोजन खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें जो सनलाइट है उसको, सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं उस संचित ऊर्जा को अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कुल मिलाकर ये है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण इज सोर्स ऑफ फूड, फूड भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। देखिए, हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और कुछ मात्रा में CO2 है। तो CO2 जो है एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है और वो ग्रीन हाउस
गैस की तरह कार्य करती है। तो पौधे क्या करते हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा कि पौधे क्या करते हैं, पौधे CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वो ऑक्सीजन गैस को बाहर करते हैं, O2 गैस को बाहर करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब O2 हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो हमें सांस लेने में आसानी रहेगी। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की घटना में क्या क्या हो रहा है। पहला ये हो रहा है कि वो हमें ऊर्जा दे रहा है, हमको फूड दे रहा है। तीसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर यानी कि CO2 की मात्रा को कम करके कि O2 के लेवल को बढ़ाता है, O2 के लेवल को बढ़ाता है, तो जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट या जो वायुमंडल है वो शुद्ध रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो है फॉसिल फ्यूल। अगर फोटोसिंथेसिस ना हुआ होता तो ऑर्गेनिज्म वो एक्यूमुलेट ना होते। और वो देखिए, एक्चुअल फॉसिल फ्यूल क्या है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर आज ही ऐसा हो जाए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कुछ ऐसा हो जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म ऐसा पत्थर के नीचे दब जाएंगे तो क्या होगा, दब जाएंगे। जब वो इस तरह से दब जाएंगे पत्थर के नीचे, तो उनका डिकम्पोजिशन होगा धीरे धीरे और वो लास्ट में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, पेट्रोलियम है, कोयला है, जितने भी फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन हैं, वो एक्चुअल में बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिकम्पोज होने से बनते हैं, जिसमें कि लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं तब जाकर कि कोई भी बॉडी वो फॉसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट होती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस रहा है। तो इम्पोर्टेंस में क्या क्या रहा है, भोजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, वायुमंडल का प्यूरिफिकेशन बाय द गिवन ऑफ O2, थर्ड वन फॉसिल फ्यूल। देखिए, फॉसिल फ्यूल के रूप में कैसा होता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए बताते हैं आपको। देखिए, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की ही देन है। हजारों लाखों वर्ष पहले जीवित जीव जमीन में दब गए थे और उन्हें जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। मतलब वही है कि नीचे दब जाने से बॉडी का डिकम्पोज, बॉडी हमारी कैसी रही होगी, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो किस पर डिपेंड रहे होंगे, किस पे, प्रकाश संश्लेषण पे डिपेंड रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में और किसका रोल होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल आप जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच अगर इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं। पौधे के जो वर्णक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कन्वर्जन किस में होता है भाई, अगर सनलाइट आ रही है ऊपर से, ये लीव्स है, इस लीव्स ऊपर गिर रही है, तो इसके अंदर क्या होंगे, पिगमेंट होंगे। वही पिगमेंट क्या करेंगे, सनलाइट को कैप्चर करेंगे और वो उस प्रकाशी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करेंगे। देखिए, क्लोरोफिल अगर देखें, पिगमेंट जो होते हैं पौधे में, तीन प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल, सेकेंड है कैरेटोनाइड, थर्ड वन है फाइकोबिलिंस। तो ये प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल, जिसमें कि क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब कैरेटोनाइड्स और फाइकोबिलिंस, ये हमारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, उसमें पाया जाता है ये। तो कैरेटोनाइड भी पाया जाता है हमारे हायर प्लांट्स में। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल हरे रंग के पौधों के लिए महत्वपूर्ण वर्धक है, यानी क्लोरोफिल अगर है तभी वो पौधा जो होगा वो हरे कलर का होगा, उसकी पत्तियाँ हरे कलर की होंगी। अब क्लोरोफिल को 8 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए ग्रुप बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी प्लांट की कैटेगरी में आता है। तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल, यानी कि तीन प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए और बी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी स्वपोषी पौधे में पाए जाते हैं, केवल जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ए और बी जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, ये हायर प्लांट में पाए जाते हैं जो कि हमारे आसपास आज दिखते हैं। क्लोरोफिल का अणु जो है कि वो चक्रीय टेट्रापायरोलिक होता है। क्लोरोफिल का एक्चुअल कैसा, टेट्रापायरोलिक होता है, यानी कि पायरोलिक रिंग से मिलकर बना होता है, चार पायरोलिक रिंग मिलती हैं,
इस तरह से बनती हैं। पायरोल देखिए आपका इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से ये पायरोल होता है। तो पायरोल कितने होंगे, चार, कितने होंगे, चार। जब ये चार होंगे तो बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम से चार रिंग जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से इनका फार्मूला आप देख सकते हैं, इनका फार्मूला क्या होगा क्लोरोफिल का, ये देखिए, जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल, बीच में सेंट्रल होगा, बाकी चार चार क्या लगे रहेंगे आपके क्लोरो पायरोलिक रिंग लगी रहेंगी। तो क्लोरोफिल का अणुसूत्र क्या है, C55H72O5N4Mg। तो आप देख सकते हैं ये है क्लोरोफिल का फार्मूला, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे C55H72O5N4Mg। तो आप देख सकते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं इसमें, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, उसको आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।